What a shitty experience it is to drive a bike even in 2018. See, in my car when I drive, I get to, you know, listen to music, to make calls on the go, and I get navigation as well. जब मैं गाड़ी में बैठा तो जब मैं बाइक में बैठा तो मैं अपने आप को देख रहा था. एक हाथ से मैं क्लच पकड़ रहा था, दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था. एंड एवरी नाउ एंड देन आई वाज चेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग लाइक दिस फ्रॉम दिस फार द डायरेक्शन बिकॉज आई हैड कपल ऑफ मीटिंग्स. मुझे अलग अलग जगह जाके क्लाइंट से मिलना होता था, क्लाइंट से बातें करनी होती थी. एंड समटाइम्स आई वुड नॉट नो कि मुझे कितनी दूरी पे जाना है, कब टर्न लेना है. सो मैं गूगल मैप इस्तेमाल कर रहा था. जब मैं गूगल मैप इस्तेमाल कर रहा था बाइक पे चलाते हुए, सो आप इमेजिन कर सकते हो, एक हाथ में क्लच है, एक हाथ में आपने फ़ोन पकड़ रखा है, एंड देन एक्सेलरेशन आप ऐसे ऐसे कर रहे थे. तो एक समय आया जब मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था गाड़ी चलाते, बाइक चलाते चलाते. तो मुझे लगा यार ये गलत है, ये बदलना चाहिए. देयर हैज़ टू बी समथिंग व्हिच इज़ बेटर. मतलब मैं चिल्ला पड़ा बिल्कुल सड़क पे, गाड़ी रोकते कि कुछ होना चाहिए. जो फॉरवर्ड करते हैं, मैं कुछ दिन की प्रोसेसिंग करी, अपने घर पे आया, लैपटॉप पे देखा, यू नो, खोजा कि लोग क्या क्या करते हैं. आई मीन आई ट्राई डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, चेक करूँ कि क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए. तो मैंने देखा कुछ हेलमेट्स हैं जो कि ब्लूटूथ का हेडसेट लगा के दे रहे हैं आपको, बट वो बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं. तो मुझे लगा अगर वो मैं एक मिडिल क्लास के फैमिली वाला बंदा हो कि अगर मेरे लिए वो एक्सपेंसिव है तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए भी वो एक्सपेंसिव होगा. एंड आई गेव अ थॉट फॉर कपल ऑफ डेज एंड आई रियलाइज कि मुझे खुद बनाना चाहिए. तो जब मुझे ये एहसास हो गया कि ये हेलमेट्स महंगे हैं, ब्लूटूथ वाले जो लगा के दे रहे हैं डिवाइस, और क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए. सर मैंने कहा क्यों ना मैं बनाऊँ एक अफोर्डेबल हेलमेट जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं हों, जिसमें मैं म्यूज़िक सुन सकूँ, आई कैन मेक कॉल्स एंड आई कैन गेट नेविगेशन एज वेल, और हो सके तो कुछ और सेफ्टी फीचर्स जैसे यू नो ब्रेक लाइट्स फॉर एग्जांपल लाइक दिस. मैंने बना दिया ऐसा जो परमानेंटली चलता रहे मैं जब ट्रैवल करूँ. ये एक हेलमेट आप देखना चाहें तो, और इंडिकेटर लाइट्स. इन लाइट्स वाले हेलमेट्स के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे डिस्कस करूँगा, बट अभी मेरा था कि प्राइमरली ये होना चाहिए. एंड गेस व्हाट, कुछ ही महीने में मैंने वो बना दिया. मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी बट इवेंचुअली वो बन गया. फिर मैंने उसे अमेजोन पर डाल दिया अपने दोस्त की मदद से, एंड हम लोगों ने बहुत सारे पीसेस बेच लिए. आई डिड मेक सम मिस्टेक्स बट आई रियलाइज मुझे अपने आप से ये कहना पड़ा कि अब चूती है, ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस टू व्हीलर पे चलने वाले बंदे की प्रॉब्लम है कि वो चाहता है कि वो सारी सुविधाएं जो एक गाड़ी वाले को मिलती हैं वो भी इस्तेमाल कर सके, बट अभी कोई ज़रिया ही नहीं है उसको, उसके पास कि वो ये सुविधाएं अपने साथ लेके चले. एंड वी सोल्ड अ लॉट ऑफ पीसेस एंड मुझे हिट हुआ कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है. हम इसको बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा कहना चाहिए, इतना अफोर्डेबल बनाओ कि हर एक बाइक वाले के पास ये हेलमेट जाए. लोग हेलमेट पहनने से बचने के बजाय लोग इसको खुशी खुशी अडॉप्ट करें कि यार ये एक अच्छी चीज़ है. सो दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू. तो भाई लोग, अगर आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक जहाँ से आप अपने खुद के लिए ले सकते हैं और एक्सपीरियंस करके दे सकते हैं. मैं बेट करता हूँ कि अगर आपने एक महीना इस हेलमेट को अपना एक्सपीरियंस किया ना, आप नॉर्मल हेलमेट नहीं पहनोगे. सो गिव इट अ ट्राई, जाके देखिए आप, नीचे लिंक से मिल जाएगा आपको. सो द हेलमेट आई एंडेड अप बिल्डिंग हैड दीज फीचर्स जिनका मैं डिटेल में बताऊंगा अगले एपिसोड में, पर अभी मैं बस उसे बता देता हूं आपके लिए कि एक तो आप उसमें कॉल्स कर सकते हो बहुत आराम से, दूसरा आप उसको नेविगेशन चलते चलते आप डायरेक्शंस देख सकते हो आपको बताएगा, तीसरा आप चाहो तो उसके अंदर गाने भी सुन सकते हो, एंड चौथा ये ब्रेक लाइट वाली सुविधा जिससे पीछे की विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है. ये सारे फीचर्स हम डिटेल में भी देखेंगे अगले एपिसोड में, बट मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि ये प्रॉब्लम भी जिसके लिए हमने ये बनाया है. आप आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वॉन्ट इट, यू कैन कमेंट इट इन द वीडियो.